और वेयर अ विग ऑन योर हेड, या बाहर मत जाओ, या लोगों को मत बताओ। मैंने बहुत सारे लोगों ने मुझे आके ऐसा बोला कि तुम इतनी पब्लिकली अपने डिजीज के बारे में बात क्यों करती हो, क्यों, why? I am very proud of this. These are my scars, my bald head. I am very proud of this. Fifth cycle हुआ मेरा टेक्सॉल का, उसके बाद मेरे बॉडी पेन्स इतने ज्यादा बढ़ गए कि मैं उठ भी नहीं पा रही थी, मैं बैठ ही नहीं पा रही थी। तो आई रिमेम्बर कि उस दिन मुझे ऐसा लगा कि बस अब खत्म हो गया सब कुछ, आज का दिन है, मैं शायद कल सुबह ना देख पाऊँ। दैट वॉज द डे व्हेन आई गेव अप। मेरा बेटा मेरे पास आया और उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे बोला कि मम्मा आपने ठीक हो जाना है ना, आप ठीक हो जाओगे, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे, मैंने मातारानी से प्रे किया है कि आप ठीक हो जाओगे। हाय, मेरा नाम है डॉक्टर ज़ीनिया और मैं द ग्लैम बार मेकअप स्टूडियो एंड अकेडमी रन करती हूँ, जो मैं पिछले 3 साल से रन कर रही हूँ। पिछला लॉकडाउन, पिछला साल सबके लिए जैसा आया वैसे ही मेरे लिए भी था। जिंदगी पिछले 2-3 साल से बहुत तेज हो गई थी, करियर वाइज, बिजनेस वाइज। तो जब लास्ट ईयर लॉकडाउन लगा तो हमें एक पॉज मिला, एक फैमिली टाइम मिला, तो हमने उसे बहुत इंजॉय किया। मैंने, मेरे हस्बैंड ने, मेरे बेटे ने बहुत इंजॉय किया, प्रॉपर नेटफ्लिक्स एंड चिल टाइप। हम लोग रात को 3-3 बजे तक जाके मूवीज देखते थे, सीरीज देखते थे और खूब इंजॉय करते थे। लॉकडाउन खत्म हुआ, काम दोबारा स्टार्ट हुआ, तो मुझे याद है लाइफ ने एक पेस पकड़ना स्टार्ट किया। हमारा एक आउटडोर शूट था, जीवन पुलिस वाले का सॉन्ग की रिकॉर्डिंग थी, डोगरा कोबरा हरी निवास में। आउटडोर शूट के लिए हमारी टीम वहाँ गई थी। शाम को जब मैं वहाँ से वापस आई तो ऐसे ही रैंडमली एक बड़ी गांठ महसूस हुई मुझे मेरे लेफ्ट ब्रेस्ट में। बहुत टेरिफाइंग था उस टाइम पे, क्योंकि सबसे पहले जब ऐसा कुछ भी आपको आपकी बॉडी में अननेचुरल फील होता है, सबसे पहले आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आना स्टार्ट हो जाते हैं कि पता नहीं ये क्या है, अब क्या होने वाला है। तो साथ ही मैंने अपॉइंटमेंट बुक किया अपने डॉक्टर के साथ। अगले दिन मैं जाके अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मिली, उनको बताया, उन्होंने कुछ टेस्ट दिए करने के लिए। उसने मुझे रेकमेंड किया कि अगर आप ये सारे टेस्ट करवा रहे हैं तो एक बार किसी ऑनको एक्सपर्ट से जाके मिल लें। तो वो शब्द सुनना ही मेरे लिए बहुत टेरिफाइंग था, ऑनको एक्सपर्ट। ऑनको का नाम लेते ही सबसे पहले दिमाग में आपके कैंसर वर्ड आ जाता है, और कैंसर वर्ड अपने आप में इतना एक भारी शब्द है। मुझे लगता है रास्ते में चलते हुए किसी इंसान को अगर आप कह देंगे कि शायद आपको कैंसर है, तो उसका मनोबल तो वहीं पे खत्म हो जाता है ना, वो इंसान वहीं टूट जाता है। तो वो बात मुझे जब किसी ने कही कि आप जाके कैंसर एक्सपर्ट से मिले, तो मेरे लिए बहुत ज्यादा टेरिफाइंग था, मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए। फाइनली हम लोग गए, हम लोग मिले डॉक्टर से, हमारी बायोप्सीज वगैरह हुई, और उन बायोप्सीज में हमारा कोई रिजल्ट नहीं था, कुछ भी हमें पता नहीं चल रहा था कि जो भी ये गांठ है इसका नेचर क्या है, या ये बिनाइन है या ये मेलिग्नेंट है। तो उसके बाद मेरी सर्जरी प्लान हुई। मेरे डॉक्टर ने रेकमेंड किया कि अगर हमें बायोप्सी में रिजल्ट नहीं आ रहा है तो हमें काम करेंगे, हम पूरी की पूरी गांठ बाहर निकालेंगे और उसका टेस्ट करेंगे। सर्जरी प्लान हुई, किसी कारण की वजह से वो सर्जरी नहीं हो पाई। जब वो सर्जरी नहीं हो पाई तो हमने सोचा कि चलो एक काम करते हैं, जम्मू में शायद इतनी एमिनिटीज नहीं होती है, लेट्स गो टू दिल्ली। तो हम मेरे हस्बैंड ने कहा कि चलो एक बार हम दिल्ली जाते हैं, वहां जाके हम सेकेंड ओपिनियन लेके आते हैं। दिल्ली गए, सेकेंड ओपिनियन लिया, वहां दोबारा से सारे टेस्ट करवाए, पर वहां भी कोई एक कंक्लूसिव डायग्नोसिस हमें मिल नहीं पाया। फिर हमने प्लान किया कि बहुत रश है यहाँ, कोविड भी उन दिनों काफी तेज से चल रहा था, तो हम लोगों ने सोचा कि हम वापस जाते हैं, बेटे से भी दूर थे। तो जब हम वापस आए, हम लोग एयरपोर्ट पे पहुंचे, मुझे आज भी याद है, हम लोग सबसे पहले बाहर आए थे फ्लाइट से, और सबसे पहले हम ही आगे खड़े हुए थे रात के लाइन में। मेरे और मेरे हस्बैंड दोनों का टेस्ट हुआ, हम लोगों को बाहर वेट करने के लिए बोला गया। जब हम बाकी सबके साथ वेट कर रहे थे तो अंदर से 2 लोग आए और उन्होंने सबसे पहले मेरे हस्बैंड का नाम लिया और उन्हें बोला साइड पे बैठने के लिए। तो जब उन्हें साइड पे बैठने के लिए बोला गया तो मैं बहुत डर गई कि ये तो कोविड पॉजिटिव हो गए, अब क्या करेंगे। फिर ये भी ख्याल आया कि 4 दिन से हम लोग बिल्कुल साथ रहे, 4 दिन से क्या, ऑब्वियसली हम लोग साथ ही रहते हैं तो मैं भी शायद एक्सपोज हूँ। 15 मिनट के बाद 2 लोग फिर आए और उन्होंने मेरा भी नाम लिया, तो कंफर्म हो गया कि हम दोनों ही पॉजिटिव थे। तो सबसे पहले हमने घर पे कॉल किया, अपनी मदर को बोला मैंने कि आप बेटे को लेके चले जाओ, क्योंकि अगर हम घर जाते तो ऑब्वियसली वो भी एक्सपोज हो जाते।
तो मेरे मदर बेटे को लेके चले गए, हम घर आए, घर आके हम लोगों ने 21 डेज का क्वारंटीन किया, और वो भी बहुत एक डिफिकल्ट टाइम था हमारे लिए, क्योंकि मेरे अंदर एक ऑलरेडी अंडरलाइन कंडीशन चल रही थी जिसके बारे में हमें उस टाइम पता नहीं था। 4 दिन ऑलरेडी मेरा 3 साल का बच्चा हमसे दूर था, तो 21 दिन और ऊपर लगा लो आप, 24 दिन, ऑलमोस्ट 1 महीना हमारा बेटा हमसे दूर रहा। वो 24 दिन शायद मेरी जिंदगी के सबसे टफ डेज थे, स्पेशली विद कोविड ऑल्सो। कभी कभी तो बीच में ऐसा लगता था कि पता नहीं अब बेटे से मिल पाऊंगी कि नहीं मिल पाऊंगी, लेकिन उसके बाद फॉर्चुनेटली कोविड फाइनली हमारा नेगेटिव हुआ और हम अपने बेटे से मिले। उसके बाद वापस शुरू हो गया मेरा डायग्नोसिस वाला सिलसिला, जो अगस्त में स्टार्ट हुआ था और अब सितंबर मिड में हम आ गए थे, लेकिन अभी भी हमारे पास, सितंबर भी खत्म हो गया था और अभी भी हमारे पास कोई फाइनल डायग्नोसिस नहीं था जिसके ऊपर हम कुछ आगे काम कर पाते। फिर उसके बाद फिर मेरी 2 बार सर्जरीज प्लान हुई, पर किसी रीजन की वजह से वो सर्जरीज हमेशा पोस्टपोन होती गई। फाइनली मेरे 31st बर्थडे के एक दिन के बाद मेरी सर्जरी प्लान हुई, और मेरा 31st बर्थडे शायद मेरी लाइफ का सबसे गंदा बर्थडे था। इसी दौरान मुझे डायबिटीज भी डायग्नोस हुआ, और उसका इतना इम्पैक्ट पड़ा, मेरे को अपना ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल करने थे अपनी सर्जरी के लिए, जो काफ़ी हाई चले गए थे स्ट्रेस की वजह से और जो सारी मेडिसिन मैंने कोविड में ली थी उस सब की वजह से। तो मुझे याद है कि दिन में मैं 20,000 से 25,000 स्टेप्स पूरे करने की कोशिश करती थी, और मेरा डाइट ऐसा हो गया था कि मॉर्निंग में 1 बेसन की रोटी और कद्दू, और शाम को 1 बेसन की रोटी और कद्दू, और दिन के टाइम में सिर्फ सैलेड, कुछ नहीं। तो बेसिकली मैं अपने आप को स्टार्व कर रही थी, दिन में मैं 4 बार इंसुलिन ले रही थी, और साथ में मैं जितना वॉक कर सकती थी उतना वॉक कर रही थी ताकि मेरे ब्लड शुगर लेवल्स कंट्रोल होए। तो मेरे बर्थडे वाले दिन जब इतने सारे केक्स आए कटने के लिए, तो वो इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग हो गया था कि मेरी लड़ाई हो गई मेरे हस्बैंड के साथ कि ये केक्स मैं खा नहीं सकती, तो मैं काटूं क्यों, किस लिए काटूं, वो इतना ज्यादा स्ट्रेसफुल था। बर्थडे के नेक्स्ट डे मैं हॉस्पिटल में एडमिट हुई, और 29 अक्टूबर को मेरी सर्जरी, फाइनली मेरी सर्जरी हुई, पहली सर्जरी लंपेक्टमी, जिसमें उन्होंने वो लंप या वो गांठ जिसको कहते हैं वो रिमूव की, और फिर वो टेस्ट करने के लिए आगे भेज दी गई। फिर शुरू हुआ सिलसिला वेट करने का, वो 29 अक्टूबर से लेके 10 नवंबर तक के बीच के जो 11-12 दिन थे वो इतने मुश्किल थे, इतने हम हेल्पलेस फील कर रहे थे कि पता नहीं क्या रिजल्ट आएगा और क्या रिजल्ट नहीं आएगा। मेरे घर वाले सारे पॉजिटिव रहने की कोशिश कर रहे थे, बट कहीं ना कहीं आपको कभी कभी सिक्स सेंस हो जाती है कि कुछ सही नहीं होने वाला है। सो वो 11 नवंबर को मुझे मेरे डॉक्टर की कॉल आती है और वो मुझे कहते हैं कि आप हॉस्पिटल आ जाओ अपने हस्बैंड के साथ। सो आई जस्ट न्यू इट, मुझे पता लग गया, उनकी ये बात से ही पता चल गया कि ये न्यूज जो भी है ये अच्छी नहीं होने वाली है। तो मैंने सबसे पहले अपनी बेस्ट फ्रेंड को कॉल किया, और मुझे याद है मैं बाथरूम में जाके मैंने उसको कॉल किया, क्योंकि मैं चाहती नहीं थी कि मम्मा ये कॉल सुने और कहीं से भी उनको पता चले कि ऐसा कुछ हुआ है। तो मैं रोई, मैं बहुत रोई कि ये न्यूज जो है वो अच्छी नहीं होने वाली है, मैं क्या करूंगी अब अगर ऐसा कुछ हो गया, क्योंकि नॉर्मली आप हम देखते हैं कैंसर के आगे पीछे कितना हवा बना रखा है हम लोगों ने, हम लोग उसके बारे में बात नहीं करते हैं। तो कोई भी जब ये बात सुनता है कि उसको कैंसर है तो वो यही सोचता है कि बस लाइफ खत्म हो गई, अब पता नहीं मैं इसको कैसे इससे निकल पाऊंगी आगे। तो मैंने भी सबसे पहले वही सोचा था, लेकिन मेरी फ्रेंड ने मुझे समझाया कि यार तू इतनी टेंशन मत ले, डॉक्टर के पास जा, देख क्या होता है। हम गए डॉक्टर के पास, और उनके सामने बैठ के जब उन्होंने मुझे कहा कि आपको IDC है, तो मेरे को डर नहीं लगा, या मैं रोई नहीं, चिल्लाई नहीं, जैसे मुझे लगा था कि मैं रोऊंगी जब मुझे सामने से ऐसा कुछ बोलेंगे। बट ऑन द अदर हैंड मेरे को एक रिलीफ फील हुआ कि फाइनली अब हमारे पास कुछ है, कुछ सब्सटैंशियल है, और अब हम आगे बढ़ सकते हैं। अब वो जो हमारा पीरियड था बीच में, जो हम लटक रहे थे ना, वो पीरियड खत्म हो गया है, नाउ वी हैव समथिंग, वी कैन वर्क ऑन इट, और फाइनली ट्रीटमेंट जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो फिर स्टार्ट हुआ हमारा कीमोथेरेपी। मुझे याद है कि जब हमारी काउंसलिंग हो रही थी हमारे मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट के साथ, तो मेरे हस्बैंड बहुत सवाल पूछते थे उनसे, मैं इतने सवाल नहीं पूछती थी, पर मेरे हस्बैंड बहुत क्वेश्चनिंग करते थे। तो उन्होंने सबसे पहले पूछा कि कीमो के साइड इफेक्ट क्या रहेंगे, तो सबसे पहली बात जो मेरे डॉक्टर ने कही थी वो कहा था कि इनके बाल बहुत सुंदर है, इनके बाल चले जाएंगे। और उस टाइम पे मुझे इतना फर्क नहीं पड़ा, मेरा रिएक्शन था कि कोई बात नहीं यार, ठीक होना है, बाल जाए नहीं जाए, क्या है, बाल आज है कल आ जाएंगे दोबारा, वो कोई फर्क नहीं पड़ता उस बात से। लेकिन पहला कीमो सेशन मेरा बहुत अच्छा निकल गया, अच्छा इन द सेंस कि मेरे बाल नहीं निकले, अच्छा तो ऑब्वियसली नहीं था, उसके साइड इफेक्ट ही बहुत ज्यादा होते हैं।
पूरा एक 15 डेज का गैप रहता था दो साइकिल्स के बीच में, तो मुझे याद है पूरे 15 डेज ना मैं अपने बाल ऐसे से पकड़ के टच करके चेक करती रहती थी कि निकल रहे हैं कि नहीं निकल रहे, और जब वो नहीं निकले तो मुझे लगा कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लगा कि यार ऐसा भी तो होता होगा ना कि किसी के नहीं निकलते होंगे, तो शायद रेयरेस्ट वाला वो केस मेरा होगा कि मेरे बाल ना निकले, तो मैं बहुत खुश थी कि बाल नहीं निकल रहे। फिर सेकेंड कीमो का साइकिल स्टार्ट हुआ, मैं हॉस्पिटल में बैठी हुई थी, मेरा साइकिल चल रहा था और मैंने अचानक से ही ऐसे किया, और जैसे ही मैंने ऐसे किया तो वो पूरा का पूरा गुच्छा बालों का मेरे हाथ में आ गया। तो जब मैंने वो देखा तो मैं इतना हार्ट ब्रोकन हो गई थी उस टाइम पे, क्योंकि अपने बालों से किस लड़की को प्यार नहीं होता है, मेरे को मेरे बालों से इतना प्यार था। मेरी लाइफ में कोई भी बड़ा ड्रास्टिक चेंज होता था सबसे पहले मेरे बालों पर रिफ्लेक्ट करता था, कुछ ना कुछ मैं अपने बालों के साथ चेंज करती थी हमेशा। तो वो एक डिसीजन जो एक चॉइस जो मुझे नहीं मिली बालों की, वो मेरे लिए बड़ा हार्ट ब्रेकिंग था। फाइनली मेरे को वो बाल कटवाने पड़े क्योंकि वो इतने ज्यादा निकल रहे थे, इतने ज्यादा निकल रहे थे। तो मुझे याद है कि मैं बहुत रोई थी जब मेरे बाल निकाले उन्होंने, मेरे बाल मैंने अपने हेयर स्टाइलिस्ट को बोला अपने ही स्टूडियो में कि आप काट दो। उन लोगों को मालूम नहीं था उस टाइम पे कि मैम ऐसा क्यों बोल रही है, वो मजाक में ले रहे थे कि मैम क्यों काटने क्यों काटने। पर मैंने उनको कहा कि नहीं तुम काट दो, मेरे बाल झड़ रहे हैं तुम काट दो। तो जब वो बाल काटे मैं बहुत रोई, बहुत ज्यादा रोई, मेरे लिए बहुत ज्यादा हार्ट ब्रेकिंग थी वो मोमेंट। मैंने अपनी जिंदगी में शायद सबसे हार्ड और सबसे ब्रेवेस्ट काम जो किया है वो यही था। उसके बाद ग्रेजुअली कीमो चलती गई, बीच में और टोटल मेरे 8 साइकिल्स हुए। पहले 4 साइकिल्स जिस दवाई के हुए, उस दवाई में आपको नौजिया होता है बहुत ज्यादा, मैक्सिमम टाइम आप कुछ खा नहीं पाते हो क्योंकि हमेशा ही आपको नौजिया हो रहा होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट 4 साइकिल्स थे वो ऐसे थे कि जिनमें आपको इतनी ज्यादा बॉडी एक्स होती है, इतनी ज्यादा बॉडी एक्स होती है कि आप उठ नहीं पाते। तो जब मेरा 5th साइकिल स्टार्ट हुआ जो नेक्स्ट 4 ट्रीटमेंट्स का था, तो मेरे डॉक्टर ने बोला कि वो गंदा वाला जो था वो खत्म हो गया, अभी ये वाला इज गोइंग टू बी वेरी इजी। पर उन्होंने मुझे ये नहीं बताया कि ये इतना डिफिकल्ट होने वाला है कि मैं शायद अपने बेड से उठ भी ना पाऊं 2-4 दिन के लिए। तो जब पहला 5th साइकिल हुआ मेरा टैक्सोल का, उसके बाद मेरे बॉडी पेन्स इतने ज्यादा बढ़ गए कि मैं उठ भी नहीं पा रही थी, मैं बैठ ही नहीं पा रही थी। तो आई रिमेम्बर कि उस दिन मुझे ऐसा लगा कि बस अब खत्म हो गया सब कुछ, आज का दिन है मैं शायद कल सुबह ना देख पाऊं। दैट वॉज द डे व्हेन आई गेव अप, आई लिटरली गेव अप। और मेरे को मेरे आगे पीछे मेरे मदर रो रहे हैं, मेरा हस्बैंड परेशान हुए, मेरा बेटा देख के सब कुछ परेशान हो रहा है, मेरी सारी एक्सटेंडेड फैमिली घर पे आ गई थी मुझसे मिलने के लिए, क्योंकि मैंने उनको कहा कि मुझसे आके मिल लो आज। तो वो दिन मैंने गिव अप कर दिया, जैसे हम हिटिंग द रॉक बॉटम कहते हैं, मैंने भी रॉक बॉटम हिट किया और मैंने गिव अप कर दिया था उस दिन। मेरा बेटा मेरे पास आया और उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे बोला कि मम्मा आपने ठीक हो जाना है ना, आप ठीक हो जाओगे, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे, मैंने माता रानी से प्रे किया है कि आप ठीक हो जाओगे। तो मेरे बेटे ने ये बात मुझे बोली तो वो मेरी सबसे बड़ी मोटिवेशन बनी। जब मैंने उसे देखा, जब मैंने देखा कि छोटा सा 3 साल का बच्चा आके मुझसे ये बात कह रहा है, तो अगर ये ऐसा सोच सकता है तो मेरे को ऐसा करना पड़ेगा, और किसी के लिए नहीं इसके लिए करना पड़ेगा। तो मेरा बेटा मेरी सबसे बड़ी मोटिवेशन बना। मेरे दिमाग में यही बात थी कि मेरे को नहीं मालूम कि मैं कैसे करूंगी, लेकिन मुझे उठना है और मुझे करना है, आई जस्ट हैव टू डू इट। वो छोटे छोटे गोल्स मैंने बनाना शुरू किए और मैंने अपने अंदर ये सोच के रखा कि कुछ भी हो जाए जस्ट हैव टू पुश थ्रू, कैसे भी करके मैंने ये चीज करनी है। और बड़ा ही सुपरफिशियल लगेगा ये सुनने में, लेकिन कहीं ना कहीं मेकअप ने मुझे बहुत हेल्प किया इसमें। मेरा ऐसा रहता था कि चलो यार कीमो के लिए जाना है, लेकिन मैं ऐसे नहीं जाऊंगी भाई, मैं पूरा तैयार होके जाऊंगी, अच्छे से पूरा रेडी होके जाऊंगी। तो वो भी एक मेरे लिए मोटिवेशन होती थी कि मैंने उठना है और ये काम करना है, मैंने रेडी होना है और फिर जाना है। तो ये छोटे छोटे गोल्स, ये छोटी छोटी चीजों ने मुझे पुश किया और मैंने अपने आप को पुश किया और इस चीज से बाहर निकाला, उस माइंडसेट से बाहर निकाला कि मैं शायद आज हूं और कल मॉर्निंग में उठ नहीं पाऊंगी। तो फाइनली मेरी कीमो खत्म हुई, उसके बाद मेरी सेकेंड सर्जरी प्लान की गई, सेकेंड सर्जरी हुई, और सेकेंड सर्जरी के बाद फिर मेरी रेडिएशन स्टार्ट हुई। रेडिएशन में मुझे बताया गया कि कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इजीएस्ट रहेगा, और इनिशियली सब ठीक रहा, सब इजी रहा, बड़ा अच्छे से जा रहा था, एंड आई वाज वेरी हैप्पी कि
फाइनली सब कुछ खत्म हो रहा है और अब मेरी लाइफ जो है वापस ट्रैक पे आने वाली है. बट मेरी किस्मत में कुछ और ही था. रेडिएशन के ऑलमोस्ट मेरे 15-16 साइकिल कंप्लीट होने के बाद मेरी बॉडी पे छोटे छोटे बर्न्स होना स्टार्ट हुए. वो छोटे छोटे बर्न्स से स्टार्ट हुआ और ग्रेजुअली जब मेरी रेडिएशन खत्म होने पे आई, वो बर्न्स इतने बढ़ चुके थे कि मैं मेरे लिए मूवमेंट भी करना बड़ा मुश्किल हो जाता था. मैं गर्दन नहीं मोड़ सकती थी यहाँ पे, क्योंकि ये पूरा एरिया मेरा बर्न्ड हो गया था. और ट्रीटमेंट खत्म हो गई, रेडिएशन खत्म हो गई, डॉक्टर्स ने बोल दिया तुम बिल्कुल ठीक हो, आप परफेक्ट है, सब खत्म हो गया, घर जाओ आराम से, जस्ट गेट बैक टू नॉर्मल. पर मेरे लिए गेट बैक टू नॉर्मल वाली बात नहीं थी, क्योंकि मेरी बर्न्स इतने ज्यादा थे कि मैं नॉर्मल लाइफ नहीं स्टार्ट कर पा रही थी. और पूरा ट्रीटमेंट के टाइम के दौरान मैंने अपने आप को बहुत मोटिवेटेड रखा, पुश करती रही. पर जब ट्रीटमेंट खत्म हुआ और फिर भी मेरी नॉर्मल लाइफ स्टार्ट नहीं हुई, तो वहां से मेरा डिप्रेशन स्टार्ट हुआ. वो बहुत डिप्रेसिंग फेज था. जब मैं चाहती थी कि मैं उठूं, बाहर जाऊं, अपने स्टूडियो जाऊं, अपना काम वापस से स्टार्ट करूं, नॉर्मल लाइफ जीऊं, लोगों के साथ मिलूं, फ्रेंड्स के साथ मिलूं, पर मैं वो कर नहीं पा रही थी वो बर्न्स की वजह से. कई रातें मैंने बैठ के निकाली हैं क्योंकि मैं लेट नहीं पाती थी उन बर्न्स की वजह से. बट चलो, वो भी ठीक हुए. और उसके लगा कि यार अब क्या करूं. मतलब एक ऑन ऑफ स्विच तो नहीं है ना, कि अभी तक मुझे दौड़ना था, भागना था, फाइट करनी थी, और अब एकदम से मुझे बोला गया कि रुक जाओ. तो एकदम से वो रुकना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था. तो इतना ज्यादा डिप्रेसिंग हो गया था मेरे लिए कि मैं क्या करूं. अब उतना ज्यादा जोश जो मैंने अपने अंदर भर लिया, अब उसका क्या करूं, कहां पे उसको चैनलाइज करूं, कैसे करूं. तो बीच में ऐसा टाइम आया कि मेरा मन ही नहीं करता था कि मैं उठूं और ऑफिस जाऊं. जो मैं वेट कर रही थी पिछले 8-9 महीने से, मैं वेट कर रही थी कि जब सब चीजें नॉर्मल हों और मैं ऑफिस जाना स्टार्ट करूं, मैं अपने दोस्तों से मिलना स्टार्ट करूं. पर वो अब जब वो टाइम आया है, तो मेरे अंदर वो विल ही नहीं थी कि मैं उठूं और जाऊं. फिर मैंने अपने साइकोलॉजिस्ट से बात की. उन्होंने मुझे समझाया कि जीनिया ऐसा होता है, ऐसा रहता है, कोई बात नहीं, तुम यू पुश थ्रू दिस फेज ऑल्सो. जैसे तुमने बाकी टाइम निकाला, ये भी निकल जाएगा. आहिस्ता आहिस्ता काम करना स्टार्ट करो, चीजें ठीक हो जाएंगी. उसके साथ साथ एक और चीज मेरे दिमाग में ऐसे घर कर चुकी थी कि ये तो मैं ठीक हो गई हूं, पर देर आर चांसेस कि दोबारा से ये हो जाए. तो जब दोबारा से ये हो जाएगा तो मैं क्या करूंगी, मेरा कोई कंट्रोल ही नहीं है इसके ऊपर. आज मैं ठीक हूं, हो सकता है कल दोबारा ऐसा कुछ हो जाए. तो वो चीज के लिए भी मुझे मेरे डॉक्टर ने समझाया कि ऐसा कुछ नहीं होता. जब तुम फाइनली काम करना स्टार्ट करोगी, अपने आप को बिजी करना स्टार्ट करोगी, तो ये चीजें जो है तुम्हारे बैक ऑफ द माइंड में चली जाएंगी और ठीक हो जाएगा सब. तो फाइनली व्हेन मैंने काम करना स्टार्ट किया, आहिस्ता आहिस्ता, छोटा छोटा छोटा, फिर मैंने दोबारा से अपने आप को मोटिवेट करना शुरू किया कि नहीं यार, जहां इतना टाइम निकाला है वहां ये भी हमने निकालना है, और इससे भी बाहर निकलना है, इस डिप्रेशन से भी बाहर निकलना है. और मैं निकली बाहर. मैंने छोटे 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 गोल्स बनाना शुरू किए. आज जाके ये काम करेंगे, आज जाके वो काम करेंगे, इस तरह से काम करेंगे. सोशल मीडिया पे मैंने इसके बारे में बात करना शुरू किया, कैंसर के बारे में. जब मैंने कैंसर के बारे में बात करना शुरू किया, बहुत सारे लोग मेरे साथ जुड़ना शुरू हुए. ये एक चीज थी जो मेरे को लगता है मेरे पूरे ट्रीटमेंट के टाइम पे मैंने यहाँ मिस की है. एक वो कम्युनिटी जहाँ पे आप बैठ के कैंसर के बारे में बात कर सके, वो कम्युनिटी मिसिंग है. हम लोग बात नहीं करते. मुझे नहीं पता कि हम आज भी इस चीज को इतना टैबू क्यों कंसिडर करते हैं. स्पेशली विमेन रिलेटेड जो कैंसर्स हैं, हम उनके बारे में तो बिल्कुल ही बात नहीं करते. चाहे आप ब्रेस्ट कैंसर की बात करें, चाहे आप सर्विकल कैंसर की बात करें, हम बात नहीं करते हैं इस चीज के बारे में. ब्रेस्ट कैंसर की बात की जाए तो हम सेल्फ एग्जामिनेशन के बारे में हम सबको पता है, पर क्या हम ऐसा करते हैं? हम नहीं करते. ये चीजें हमारी जो स्कूल एजुकेशन है उस लेवल पे होनी चाहिए. सर्विकल कैंसर की वैक्सीनेशन है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हम में से 80% लोगों को भी इस चीज के बारे में मालूम है कि उसकी वैक्सीनेशन अवेलेबल है. और हम अपनी फीमेल्स, अपनी बहनें, अपनी बेटियां, अपनी जो घर की फीमेल्स हैं, उनको इस कैंसर से बचा सकते हैं अगर सही टाइम पे हम उनकी वैक्सीनेशन कराएं. पर ये इन्फॉर्मेशन ही अवेलेबल नहीं है. इन्फॉर्मेशन इसीलिए अवेलेबल नहीं है क्योंकि अवेयरनेस ही नहीं है. हम बात ही नहीं करना चाहते. हम लोग कैंसर के बारे में बात ही नहीं करना चाहते, पर हमें बात करनी चाहिए. सोशल मीडिया पर जब लोग मेरे साथ जुड़े, जो लोग इस कंडीशन से गुजर रहे हैं या गुजर चुके हैं, या उनके कोई आसपास कोई लव्ड वन जो इस प्रॉब्लम से निकल रहा है, जब वो लोग मुझसे जुड़े, जब उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस मेरे साथ शेयर किए,
और मैंने अपने एक्सपीरियंसेस उनके साथ शेयर किए, तो एक छोटी सी कम्युनिटी हमारी बनी है। पर मैं चाहती हूँ कि वो एक बड़े लेवल की बने जम्मू में, लोग जुड़े एक दूसरे के साथ, इसके बारे में बात करें। बहुत इम्पॉर्टेंट है बात करना, क्योंकि उससे हम इन चीजों को प्रिवेंट कर सकते हैं, हम बहुत अर्ली स्टेजेस पे डायग्नोस कर सकते हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपने घर की फीमेल्स को पुश करें इस बात के लिए कि उन्हें अपनी हेल्थ को प्रायोरिटाइज करने की जरूरत है कहीं ना कहीं। अगर आप देखेंगे हमारी अपने मदर्स का हम एग्जाम्पल लेंगे ना, चाहे वो बीमार होंगे, चाहे उनके उनको कोई पेन हो रहा होगा, चाहे कोई भी तकलीफ होगी, शी विल स्टिल कीप वर्किंग। वो काम करते रहेंगे और वो डॉक्टर के पास कभी भी नहीं जाएंगे। हमें उनको पुश करना पड़ता है कि नहीं मम्मा जाओ, जाके डॉक्टर को दिखाओ। तो ये चीज हमें करनी है, हमें अपने घर की सारी फीमेल्स को पुश करना है कि अपनी हेल्थ को प्रायोरिटाइज करो। सेल्फ केयर इज नॉट बीइंग सेल्फिश। अगर हम सेल्फ एग्जामिनेशंस करेंगे, अगर हम अपनी प्रॉपर वैक्सीनेशंस करेंगे, तो हम बहुत सारी चीजों से बच सकते हैं। जब हम कैंसर के बारे में बात करेंगे खुल के, तो एक और बहुत बड़ा पॉइंट है जो मैं और यहाँ ऐड करना चाहती हूँ, सेंसिटाइजेशन। आप एक बैल्ड फीमेल को जब बाहर जाते हुए देखते हैं ना, तो यूजली मोस्टली तो लोग बड़े वो रहते हैं, अकोमोडेटिंग रहते हैं, कुछ करते नहीं, बट चंद लोग ऐसे होते हैं जो आपको ऐसी नजरों से देखेंगे कि अगर आप कॉन्फिडेंट भी होंगे ना, तो अपने आप में कहीं ना कहीं आपको एक कॉम्प्लेक्स आ जाएगा यार कि मैं बड़ी अजीब लग रही हूँ, मुझे ऐसे क्यों देख रहा है। वो सेंसिटाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। यू डोंट नो सामने वाला बंदा किस फाइट से लड़ रहा है, क्या उसकी लाइफ में चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। तो प्लीज अगर कोई ऐसा इंसान हिम्मत करके उठ के किसी पब्लिक प्लेस पे आ रहा है, तो प्लीज उसे ऐसी नजरों से मत देखें कि अगली बार उसका कॉन्फिडेंस ही ना हो कि वो बाहर निकल सके। तो बहुत जरूरी है, कैंसर में पेशेंट जो है वो खाली ट्रीटमेंट से ठीक नहीं होता है, उसके साथ साथ उसे चाहिए सपोर्ट सिस्टम, एक बहुत स्ट्रांग सपोर्ट सिस्टम। फैमिली फ्रेंड्स का तो रहता ही है, डॉक्टर्स का तो रहता ही है, साथ ही साथ सोशल सपोर्ट सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमारी सोसाइटी का सपोर्ट सिस्टम है। ठीक है यार, मतलब मालूम है उस इंसान को कि वो किस चीज से निकल रहा है, आपको पॉइंट आउट करके बोलने की जरूरत नहीं है कि हाय बेचारी तेरे साथ क्या हो गया, अब तेरी लाइफ का क्या होगा। नहीं, ऐसा आप बोलेंगे आप उस इंसान का मनोबल और तोड़ रहे हैं, ऐसा मत बोलिए। और भी बड़े तरीके होते हैं यार अपनी बात कहने के, ऐसा बोलने की जरूरत नहीं है कि अब तुम्हारे साथ क्या होगा, तुम्हारी तो लाइफ ही खत्म होगी, तुम्हें कैंसर हो गया, ऐसा नहीं होता। उनको मोटिवेट करें कि हाँ यार तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, तुम आज पार्क में घूमने आए हो, चलो यार कल हम यहाँ जाएंगे या वहां जाएंगे। तो सेंसिटाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये सारी चीजें जो है ये तभी आएंगी जब इसके बारे में बात करेंगे। कैंसर को अगर आप आज कैंसर देखेंगे तो शायद आपको लगेगा ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। इसको हमें वैसे ही ट्रीट करना है जैसे बाकी डिजीजेस होते हैं, जैसे डायबिटीज है, जैसे हाई ब्लड प्रेशर है, कोई भी और डिजीज है, थायराइड है। तो क्या किसी हाई ब्लड प्रेशर वाले आदमी को आप ऐसा बोलते हो हाय तुम वॉक में क्या करने आए हो यार, तुम वॉक कर रहे हो, ओ माई गॉड तुम कैसे वॉक कर रहे हो, या उसको देख कर हम अजीब अजीब सी शक्ल बनाते हैं? नहीं, तो वैसे ही कैंसर का भी पेशेंट है ना, वैसे ही है, वो ऑलरेडी अपनी ट्रीटमेंट से बहुत सताया हुआ है, वो अपने कैंसर से बहुत सताया हुआ है, तो फिर भी अगर वो हिम्मत जुटा के उठ के बाहर निकल रहा है, तो स्टॉप टेलिंग दैट पर्सन कि कवर योर हेड, वेयर अ स्कार्फ ऑन योर हेड और वेयर अ विग ऑन योर हेड, या बाहर मत जाओ या लोगों को मत बताओ। मैंने बहुत सारे लोगों ने मुझे आके ऐसा बोला कि तुम इतनी पब्लिकली अपने डिजीज के बारे में बात क्यों करती हो, या तुम अपने सर पे कैप क्यों नहीं पहनती हो, या विग क्यों नहीं पहनती हो, तुम्हें विग पहननी चाहिए, तुम्हें स्कार्फ पहनना चाहिए, क्यों? Why? I am very proud of this. These are my scars, my bald head. I am very proud of this. ये दिखाते हैं कि मैं किस जंग को लड़के आई हूँ, मैंने कैसे सर्वाइव किया है, मैंने मौत का सामना किया है और मैं उसमें से निकल के बाहर आई हूँ। तो मैं इन चीजों को छुपाना नहीं चाहती। ये चीजें देख के लोग मोटिवेट होंगे, मेरे जैसे और बहुत सारे लोग होंगे जो इस चीज को देख के मोटिवेट होंगे, स्पेशली अगर मैं इसके बारे में बात कर रही हूँ। तो ये अहमियत है बात करने की। तो मेरी ये रिक्वेस्ट ही है सबसे कि प्लीज बात करें आपस में, सेंसिटाइज करें चीजों को। इट्स नॉट जस्ट अबाउट कैंसर, हर चीज को लेके हमें सेंसिटाइज होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आपके आसपास ऐसा कोई भी शख्स है जो ऐसी किसी भी तकलीफ से निकल रहा है, तो प्लीज उसे जितना सपोर्ट कर सकते हो सपोर्ट कीजिए। आपकी छोटी सी स्माइल या आपके बोले हुए चंद लफ्ज मोटिवेशन के ना उसको इतना कॉन्फिडेंस देंगे आप सोच नहीं सकते।